मॉर्निंग यस, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो तकरीबन जो है वो 2023-24 के आसपास मूव कर रहा था, और मैंने ये कहा था कि ये बहुत ज़्यादा चांस हैं कि ये 2028 से 32 वाले एरिया को टेस्ट करे। अगर तो 2032 से ऊपर स्टे करता है, 4 क्लोज करता है एक और फिर उसके बाद स्टे करता है, तो 2050 काफ़ी हद तक कंफर्म होगा। और अगर यहाँ से ये रिजेक्ट रहता है, इसके नीचे ही क्लोज रहते हैं इसके 2032 के, तो ये दोबारा जो है वो 2015 तक नीचे जाने के चांस होंगे। और अगर ये 2028 को प्रॉपर टेस्ट करके गिरता है तो फिर 2015 को भी 15-13 को ब्रेक कर सकता है नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि इसने 2032 से ऊपर कोई एज 4 क्लोज नहीं किया, और ऊपर निकलने की वजह से पहले जब ये गया तो 2035 तक गया। अब जोन जब ऊपर की साइड भी शेडो ब्रेक हो जाता है तो फिर नीचे से ये अपना जो प्रॉपर लो होता है या जो प्रॉपर सपोर्ट होती है उससे ऊपर जो है वो कोई एरिया माइनर एरिया एज है, किसी भी माइनर एरिया को जो है वो एज ए सपोर्ट बना लेता है। इट मींस कि अगर हम बात करें ये पिछले जो यहाँ से जब ऊपर से गिरा था तो इसने ये एरिया एज ए सपोर्ट लिया था 2020-19 वाला, यहाँ से और ये यहाँ से जो है वो तकरीबन 2041 मतलब 200 के करीब यहाँ तक यहाँ गया था। तो इसने ये जो ऊपर शेडो लगाने के बाद इसने इसी एरिया को एज ए सपोर्ट तकरीबन बना लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ तक आया और फिर यहाँ से ये ऊपर, अब ना तो ये ऊपर क्लोज कर पा रहा है जो ऊपर जाने के मतलब लिए पोजीशन बने, और ना ही ये इसको प्रॉपर टेस्ट करके नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर एक रेंज बन गई। कल भी मैंने ये कहा था कि एक रेंज मूव के ज़्यादा चांस होंगे 2015 से लेकर 2038 के बीच में, और अगर ये 2032 को ब्रेक क्लोज करता है तो फिर मज़ीद चांस बन सकते हैं बाइंग के। अदरवाइज़ मुझे थोड़ा सा कल यही लग रहा था कि ये एक रेंज होगी यहाँ पर, और वो 2035 से लेकर और 2020 के बीच में रही। तो ये थी हमारी कल की एनालिस और मार्केट की मूवमेंट, और बड़ा आसान होता है। मैंने कई दफ़ा ये बोला है कि आप M15 को देख लिया करें, बहुत हद तक आपको सपोर्ट मिलेगी इसके हवाले से। देखिए यहाँ पर M15 ने एक ब्रेक क्लोज किया है, उसके बाद सेकेंड सेल, फिर जो है वो सेल, और ये ब्रेक क्लोज हो गया। इट मीन्स ये ऊपर क्लोज नहीं देगा ना ही ऊपर जाएगा, और अगर ये स्टे कर भी जाता है, क्लोज दे भी देता है, तो ये दोबारा नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ वीकनेस शो कर चुका था ये। तो इस तरह से M15 को अगर फॉलो करें, यहाँ पर ये दूसरी बार जब आया तो आप देखें कि ये एक शेडो ब्रेक क्लोज है लेकिन जोन ब्रेक क्लोज नहीं था, और सेकंड जो है वो सेल क्लोज किया और फिर नीचे आ गया। तो ये आसान है, M15 को अगर हम लेवल्स के ऊपर फॉलो करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ जो है हमें कन्फर्मेशंस मिलती हैं। तो ये इस तरह इसको अगर आप देखें, पिछली बहुत सी वीडियो हैं लाइव जो दी हुई हैं उनमें ये सारी चीज़ें M15 की जितने भी कन्फर्मेशंस हैं तकरीबन मैंने बताई हुई हैं, तो आप उनको अगर सही से देख के और यहाँ पर फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। तो ये थी हमारी कल की एनालिस और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले तो मैं चैनल पे नए आने वालों चैनल से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें। डेली बेसिस पे मैं तकरीबन देखता हूँ कि 8-10% वो होते हैं जो देखते तो डेली बेसिस पे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर लें, आपकी मेहरबानी होगी। जब आप देख ही रहे हैं डेली बेसिस पे तो आप चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है। और बाकी जो कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, उनके कमेंट्स सबके मैं देखता हूँ डेली बेसिस पे। हाँ, किसी को रिप्लाई कोई मतलब नहीं दे पाता तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अहमियत नहीं रखते। बहुत शुक्रिया दिल से जो है वो उन सबका शुक्रिया जो लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। हाँ, रिप्लाई तो नहीं होता दे पाता मैं, इसलिए तो मैं
नहीं कह सकता इसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उनकी बहुत अहमियत है और मैं उनके कमेंट्स जो है वो देखता ज़रूर हूँ, लाइक करता भी हूँ। तो बहुत शुक्रिया इसी तरह से, ये जो आप सपोर्ट कर रहे हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है, और क्योंकि इस पे तो आप यही कर सकते हैं। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो यकीनन आपका भी उसमें ये कुछ फ़ायदा है, लेकिन अगर उसको लाइक कर रहे हैं या फिर कमेंट्स कर रहे हैं तो वो आप मेरे लिए कर रहे हैं, तो ये आपकी मोहब्बत और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से जो है वो आप सपोर्ट मुझे करते रहेंगे। तो देख लेते हैं आज जो है वो क्या इम्पोर्टेंट हो सकता। आज के जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से मतलब तकरीबन हम अगर देखें तो अब वही है कि मार्केट को हम यहीं इस तरह ही जज कर सकते हैं। 38 से जो 32 का एरिया है ये 65 काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर ही सारी कहानी। अब देखना ये है कि ये अगर यहाँ तक ही रहता है तो फिर ये एक मतलब अब ये एक रेंज जो है वो पोजीशन दिखा रहा है इस तरह की, लेकिन ये नहीं है कि ये इसके अंदर ही रहे, जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो निकलेगा, लेकिन ये कि अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर यहाँ देखिएगा इस एरिया को अगर ऐसे सपोर्ट लेता है और ये एरिया ब्रेक कर जाता है ऊपर, अगर हम 15 के भी क्लोज लगाता है और स्टे करता है तो फिर समझ लीजिएगा कि ये यहाँ इस तरह दोबारा ऊपर जा सकता है। यहाँ से लेकर 32-35 से लेकर 38 इससे ऊपर अपनी ना तो बाय करिएगा ना होल्ड करिएगा, ये जब भी ही बाय होल्ड कर सकते हैं जब ये इसके ऊपर निकल के क्लोज दे मतलब स्टे करे इस तरह, तो तब जाके ये जो है वो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ये आप देख लीजिएगा इस एरिया से ऊपर ऊपर जो है ना वो क्लोज करे, अब 38 से भी मतलब जो पोजीशन है ना बार बार ये ऊपर जा रहा है गिर रहा है जा रहा है गिर रहा है, तो अब 38 से ऊपर ही अगर फुल क्लोज करता है तो फिर आप इसको ऊपर देखिएगा, शायद वो 32 वाला एरिया जो है वो इतना वैसे तो खैर कोई क्लोज तो इसने नहीं दिया, लेकिन ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा। और अब मसला ये इसको हम सेलिंग की तरफ अगर देखें तो डे का क्लोज है कल, वो भी बुलिश क्लोज है, मतलब लेवल के ऊपर बुलिश क्लोज होना ये भी एक साइन है कि भाई मार्केट स्टे कर सकता है यहाँ पर, तो इसलिए इस ये जो एरिया है ये अब एज ए रेंज रहे, और 32 से ऊपर भी अगर ये क्लोज करता है और स्टे करता है तो फिर 39 और ये ब्रेक करता है क्लोज करता है H4 के तो फिर ऊपर का एरिया है, अदरवाइज जो है वो इस तरह से ये ऊपर नीचे रेंज कर सकता है। और अगर ये इस एरिया को ऊपर की तरफ इस तरह ब्रेक नहीं कर पाया और इसी तरह से ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है, और क्यों कर सकता है कि ये ऑलरेडी ब्रेक है, क्योंकि जो एरिया ऑलरेडी ब्रेक होता है और दूसरे एरिया के पास जब मार्केट जाए उसे भी ब्रेक कर दे तो फिर एक हो जाती है रेंज, वो उस जोन और सपोर्ट मतलब और उसी रेजिस्टेंस और उसी सपोर्ट एरिया में। अब दोनों तरफ ब्रेक है, जिस तरफ का एरिया टेस्ट करके मतलब गिरा या फिर टेस्ट करके वो ऊपर की तरफ मूव हुआ तो फिर उस सूरत के अंदर अगर वो नीचे से सपोर्ट को प्रॉपर टेस्ट करके ऊपर गया तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, और रेजिस्टेंस प्रॉपर टेस्ट करके गिरा तो फिर सपोर्ट को ब्रेक करेगा, क्योंकि दोनों ऑलरेडी ब्रेक है। तो यहाँ पर इस तरह की बोली और इसी तरह से जो है वो हम देख सकते हैं इसको, मेरी समझ के मुताबिक जो मुझे लग रहा है वो मैंने बता दिया है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।